बहुत समय पहले की बात है कि मुक्सर आश्रम में कपि मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक दीन आदमी राहुल आया। कपि मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र भी सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी न रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा। पुराने समय में लिखण का काम भी हाथ नाल किया जाता सी अते सुंदर लिखण वाले नू कदीर कहा जाता सी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी ने सुंदर लिखाई करके ही आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने हथी लिखण का मान बख्शिया। सुंदर लिखण वाले व्यक्ति की सिखण प्रति रुचि वधेरी हुंदी है। उस दे जीवन विच सादगी अते हदीमी हुंदी है। वह कोमल currency. Every country has its own currency. Currency is needed to buy and sell products. The Indian currency is the official currency of India. The rupee is subdivided into 100 paises. The Reserve Bank of India measures currency in India. The frequencies used the banknotes are of 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000. The really huge banknotes of